नमस्कार दोस्तों, अफ्रीका जिसे कि अंध महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि वहां पर गरीबी, अशिक्षा व क्राइम बहुत ही ज्यादा है। हालांकि बढ़ती पॉपुलेशन तथा अफ्रीका महाद्वीप के रिच नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से अफ्रीका को फ्यूचर का एशिया कहा जा रहा है तथा एक्सपर्ट्स का मानना है कि अफ्रीका में डेवलपमेंट तथा ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। सो एशिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज तथा वर्ल्ड पावर स्ट्रगल की दो टफ कॉम्पिटिटर्स इंडिया तथा चाइना में अफ्रीकन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने की होड़ सी लगी हुई है। पर क्या चाइना की जो अफ्रीकन रीच है वह सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक सीमित है? क्या इंडिया रियलिटी में चाइना के मुकाबले अफ्रीका में कहीं पर टिक पा रहा है? तथा दोनों देश में से किस देश की पॉलिसी अफ्रीका तथा वहां के लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है? चलिए इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल से जानते हैं। सो देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे जैसे इंडिया व चाइना की इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ रही है, दोनों देश अपना इंटरेस्ट ग्लोबल डायस्पोरा में सिक्योर करने में लगे हुए हैं। दोनों एशियन जायंट्स की अफ्रीका से पुरानी व कल्चरल रिलेशनशिप रही है। अगर बात करें चाइना की, तो चाइना ने अब तक अफ्रीकन रीजियन में $110 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। इसके साथ चाइना अफ्रीका का बायलैटरल ट्रेड हर साल $209 बिलियन से अधिक है। चाइना के इतने ज्यादा निवेश तथा अफ्रीकन देशों से ह्यूज बायलैटरल ट्रेड की वजह से अफ्रीकन देशों में चाइना को कई सारे अवसर व फेवर्स भी मिलते हैं। मतलब चाइना को अफ्रीकन देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवाने के लिए आसान बिड व एग्रीमेंट देते हैं, और चाइना के फॉरेन रिजर्व के ह्यूज बैलेंस की वजह से चाइना अपने सारे फॉरेन प्रोजेक्ट्स को एकदम सही समय के अंदर पूरा कर देता है। अब तक चाइना ने अफ्रीका महाद्वीप में विभिन्न देशों में लगभग 20 सी पोर्ट्स, 80 पावर प्लांट्स तथा 6000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स का निर्माण किया हुआ है। इसके साथ चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिससे कि चाइना अपना ट्रेड रूट सेंट्रल एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में ले जाना चाहता है, इसी प्रोजेक्ट में अब तक अफ्रीकन रीजियन के 54 देशों में से 42 कंट्रीज ने चाइना के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप के लिए MOU तथा एग्रीमेंट साइन किए हैं। Whereas, अगर बात करें इंडिया की, तो भारत भी अफ्रीका के साथ हर साल $70 बिलियन से अधिक बायलैटरल ट्रेड करता है, पर यह चाइना का एक तिहाई है। इसके साथ इंडियन इन्वेस्टमेंट भी अफ्रीकन कंटिनेंट में रीसेंट टाइम में तेजी से बढ़ रही है। हालांकि इंडिया की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाइना के कंपैरिजन में काफी वीक है, पर फिर भी इंडिया ने रीसेंट टाइम में अपने प्रोजेक्ट कंप्लीशन का रिकॉर्ड तेजी से आगे बढ़ाया है। पिछले 3 से 4 सालों में इंडिया ने अफ्रीका में कई सारे टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स प्रोजेक्ट्स, कई सारे अफ्रीकन देशों की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, आईटी सेंटर्स और वेरियस फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का निर्माण किया है। इसके साथ भारत ने अफ्रीका को अपने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव में की रोल दिया है। इंडिया ने अफ्रीका में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अफ्रीकन यूनियन को 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट देने का भी ऐलान किया है। इवन रीसेंट टाइम COVID-19 पैंडेमिक में भी इंडिया तथा चाइना ने अफ्रीकन देशों की बढ़ चढ़ के मदद की। चाइना ने जहां पर फ्री मास्क, फ्री टेस्ट किट्स तथा वेंटिलेटर्स दिए, तो वहीं इंडिया ने भी फ्री मेडिसिन, फ्री डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स अफ्रीकन देशों में भेजे। हालांकि चाइना ने जितना डोनेट नहीं किया, उससे ज्यादा चाइना ने अपने डोनेशन की लॉबी की और डोनेशन डिप्लोमेसी का गेम खेला। पर चाइना की डोनेशन डिप्लोमेसी उस समय बैकफायर कर गई जब यह न्यूज बाहर निकल कर आई कि चीन के ग्वांगझू प्रांत में अफ्रीकन स्टूडेंट्स तथा सिविलियंस के साथ रेसिज्म तथा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। हालांकि चाइना की ह्यूज इन्वेस्टमेंट के कारण अफ्रीका का जो इलीट ग्रुप है, मतलब जो वहां के सरकार के लोग हैं, उसमें से किसी ने इस इंसिडेंट पर कोई भी कमेंट नहीं किया, क्योंकि चाइना का अफ्रीका से रिलेशन सिर्फ वहां के वेल्दी तथा गवर्नमेंट और इलीट के लोगों से है, और चाइना का अफ्रीकन लोगों के साथ पीपल टू पीपल कनेक्शन आज भी नहीं है। इसी वजह से अफ्रीकन कंट्रीज में चाइना के खिलाफ रिसेंट टाइम में तेजी से आवाज उठने लगी है, क्योंकि चाइना ने जितने भी प्रोजेक्ट अफ्रीकन देशों के साथ किए हैं, उसमें चाइना ने अफ्रीकन देशों को कभी भी इक्वल शेयर व राइट्स नहीं दिए। इसके साथ चाइना ने हाई इंटरेस्ट डेट से कई सारी अफ्रीकन देशों को अपने डेट ट्रैप में फंसा लिया है, जिसमें अंगोला, जिबूती, जाम्बिया, कांगो आदि शामिल है। चूंकि इन देशों की इकोनॉमी इतनी छोटी है, ये चाइना का डेट चुका नहीं पाएंगे, तो चाइना इनके रिच नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करेगा और मैनिपुलेशन करेगा।
रिसेंट टाइम में चाइना ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तेजी से प्रीशियस तथा रेयर एलिमेंट्स का दोहन किया है। पर इन सब से परे भारत के सारे प्रोजेक्ट्स तथा क्रेडिट्स जो कि अफ्रीकन देशों को मिले हैं वह पारदर्शी तथा लो इंटरेस्ट पर हैं। इसके साथ इंडियन गवर्नमेंट तथा इंडियंस का अफ्रीकन तथा अफ्रीका के लोगों से बहुत ही ज्यादा अच्छा संबंध है और इंडिया का पीपल टू पीपल कनेक्शन अफ्रीकन देशों के साथ है। भारत ने अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में अफ्रीकन देशों को इक्वल राइट तथा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अगर बात करें आने वाले फ्यूचर की तो आने वाले समय में अफ्रीका में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं। रिसेंट टाइम में चाइना का बायलैटरल ट्रेड अफ्रीका के साथ तेजी से घटा है। मतलब 2008 में जो 4.9% की ग्रोथ से बढ़ रहा था वह अब 3.3% पर एनुअल की ग्रोथ रेट पर आ गया है। वहीं इंडिया की अफ्रीका से बायलैटरल ट्रेड साल 2008 में जो 3.3% से ग्रो कर रहा था वह आज 6.1% की तेजी से एनुअली ग्रोथ कर रहा है। इसके साथ इंडिया ने आने वाले 1 से 2 सालों में अफ्रीका में अपने प्रोजेक्ट्स के कम्प्लीशन को और तेजी से बढ़ाने का वायदा किया है तथा बड़े जियोपॉलिटिक्स गेम को प्ले करने के लिए इंडिया 18 एम्बेसीज भी अफ्रीकन देशों में खोलेगा। हालांकि रिसेंट टाइम में चाइना का अफ्रीका से इंपोर्ट घटा है और चाइना के एक्सपोर्ट्स अफ्रीका को बढ़े हैं, जिससे कि अफ्रीकन देशों का चाइना से ह्यूज ट्रेड डेफिसिट होने लगा है और इस ह्यूज ट्रेड डेफिसिट से चाइना के क्रिटिक्स अफ्रीका देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना की अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक पर्पस से न होकर जियोपॉलिटिकल मोटिवेटेड है, क्योंकि चाइना की रिजीम इंडियन ओशन तथा अफ्रीकन रीजियन में अपने इंटरेस्ट को हर हाल में सिक्योर करना चाहती है, फिर चाहे वह अफ्रीकन देशों को डेट ट्रैप में फंसाकर हो या फिर अफ्रीकन देशों को अनस्टेबल करके। वहीं भारत एक डेमोक्रेटिक देश है तथा वह अफ्रीकन देशों को अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकसित होने का मौका देता है और वो भी बिना किसी डेट ट्रैप या मैल प्रैक्टिस के। सो श्योरली इंडिया आज नहीं तो कल जरूर चाइनीज इन्वेस्टमेंट को अफ्रीका में काउंटर करेगा। सो कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरा काम और रिसर्च पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली इसी तरह की नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप देखो। और तब तक के लिए जय हिंद।